नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा अणु जो पहले के समय में केवल एक राज ही था, इसके बारे में ज्यादातर पहले किसी को पता भी नहीं था, पर वैज्ञानिकों के खोज में यह पहले से ही शामिल रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसानी कोशिका के अंदर कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से गुणों को आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। फिर बाद में काफी खोज के बाद यह नाम सामने आया जो था डीएनए। दोस्तों, हमारे शरीर के हर कोशिका में लगभग एक जैसा डीएनए पाया जाता है। कोशिका में ज्यादातर डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए की संरचना की बात करें तो यह घुमावदार सीढ़ीनुमा संरचना होती है। डीएनए के एक अणु चार अलग अलग वस्तुओं का बना होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसके नाम एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है, जो कि आम बात नहीं है। प्रत्येक डीएनए 1.8 मीटर तक लंबी हो सकती है, लेकिन इन्हें सिकोड़ दिया जाए तो ये 0.09 माइक्रोमीटर तक कम हो सकता है। यह इसकी एक खासियत है कि आपका डीएनए आपके पूर्वजों की इतनी जानकारी दे सकता है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते। मानव शरीर के हर एक कोशिका में डीएनए एक दिन में 1,000 से 10 लाख बार क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे फिर से अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बना होता है जो कि उसे सुधार करता है। दोस्तों, यह बात आपको शायद ही पता होगी कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड डीएनए डे मनाया जाता है। यदि आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डीएनए की संरचना से जुड़ी कुछ सवाल प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की संरचना की खोज का श्रेय जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को जाता है। दोस्तों, डीएनए के गुण के साथ उसकी कुछ खराबियां भी हैं, जैसे डीएनए की खराबी के कारण आने वाली पीढ़ी में कैंसर, मधुमेह, हीमोफीलिया जैसे रोग आगे संक्रमित हो सकते हैं। डीएनए की संरचना में बदलाव की बात करें तो घातक विकिरण जैसे सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणें, यह हमारी डीएनए की संरचना को बदल कर रख देती है जो हमें स्थायी प्रभाव पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये थी डीएनए से जुड़ी कुछ खास बातें और जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।